पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट अपर दीव में वाकया एक ऐसी हसीन वादी भी है जहां गर्मियों के मौसम में लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस वादी की तरफ रुख करते हैं। और हालिया रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि अदर कंट्री के टूरिस्ट का रुझान भी इसी वादी की तरफ है। तो आज का व्लॉग वादी कुमराट का होगा, जिसमें हम आपको वादी के खूबसूरत मनाजर की सैर के साथ साथ कुछ ऐसे हकाइक से भी पर्दा उठाएंगे जो शायद ही पहले कभी आपने सुने या देखे होंगे। और मुझे यकीन है कि वादी के मुतलका ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो YouTube पर मौजूद हो। तो मेरे भाई, फिर देर किस बात की, चलते हैं वादी कुमराट। वादी कुमराट सरसब्ज जंगलात, पहाड़, दरिया, बर्फ और हरी भरी चरागाहों पर मुश्तमिल है। इसमें बहने वाला दरिया पंजकोड़ा, जिसकी लंबाई 220 किलोमीटर है, जो कि वादी कुमराट की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। महल्ले वकू के एतबार से इसके मशरक में कलाम स्वात वैली, जबकि मगरब में आयोन चित्राल वैली वाकया है, और शुमाल में चित्राल, जबकि जनूब में लोअर दीर वाकया है। कुमराट वादी दीर कोहस्तान का आखिरी बॉर्डर है। दीर कोहस्तान 6 खूबसूरत गांवों पर मुश्तमिल है, पात्राक, ब्याड़, बरीकोट, कालकोट, लामूती और थल इसके खूबसूरत गांव हैं। इन गांवों की खूबसूरती देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी विज़िट कीजिए, जहां पर इन विलेजेस की अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर हम वादी कुमराट के टेम्परेचर की बात करें तो सर्दियों में इसका दर्जा हरारत -4 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वादी कुमराट का मेन और आखिरी बाजार थल है, जहाँ से आपको खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया आसानी से मिल जाती हैं। थल से आगे वादी कुमराट में कोई भी बाजार नहीं है, तो लिहाजा आगे सफ़र करने से पहले आप थल बाज़ार से अपने इस्तेमाल की अशिया ज़रूर खरीद लें। कुमराट वैली जाने का सबसे अच्छा टाइम अप्रैल से सितंबर तक का होता है। अगर आप सितंबर से बाद जाएंगे तो उस वक्त वहां पर खजान का आगाज़ हो जाएगा और हो सकता है कि बर्फबारी भी शुरू हो जाए। सिक्योरिटी के हवाले से वादी कुमराट बिल्कुल महफूज है। आप बगैर किसी टेंशन के पूरी वादी में घूम फिर सकते हैं और जहाँ चाहें अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की रवायात को मद्देनज़र रखते हुए शहरों में फ़ोटोग्राफी से परहेज़ करें। अगर हम वादी कुमराट में होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वो भी आने वाले चंद दिनों में जितने भी वादी कुमराट के सस्ते और मियारी होटल्स हैं उन सब की अलग-अलग से वीडियोस आपको इसी चैनल्स के ऊपर मिल जाएगी। वादी कुमराट तक पहुंचने के लिए आपको चकदरा से दीर चित्रा रोड पर आना होगा। दीर से पहले ही रोड की राइट साइड पर बाबे कुमराट का एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आएगा, वहाँ से आपने राइट साइड पर टर्न हो जाना है। फिर इससे आगे श्रृंगल, पात्राक, ब्याड़, बरीकोट, कालकोट और थल तक आना है। थल तक आपकी गाड़ी चाहे छोटी है या बड़ी है बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। ये गाड़ी आपको थल में ही पार्क करना होगी, फिर 4x4 या जीप रेंट पे लेके आगे आपको वादी की तरफ जाना होगा। जबकि दूसरा रास्ता कलाम बाड़गोई टॉप से आता है, वो रास्ता इंतहाई ख़राब है, जिससे थल तक आना इंतहाई मुश्किल है। इन दोनों रास्तों की और इनके दरमियान जितने भी खूबसूरत पॉइंट्स हैं, इन सभी की वीडियोस मेरे इस यूट्यूब चैनल दाने यूट्यूबर पर मिल जाएगी। थल से 30 मिनट की मुसाफत करने के बाद वादी के हसीन मनाजर बड़ी शिद्दत से आपके मुंतजर होंगे। तो चलो चलते हैं जी वादी कुमराट। यहाँ से ये वाला रास्ता जो जा रहा है, ये जा रहा है कुमराट वाली साइड पे। यहाँ से सीधा कुमराट बिल्कुल नज़दीक है, 2 किलोमीटर कह रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं थल बाज़ार के अंदर और ये वाला रास्ता जाता है जहाज़ बांडा कलाम वाली साइड, बहरीन
मिंगोरा स्वात, तो फिर हम वापस इसी रास्ते पे जाएंगे मिंगोरा और स्वात वाली साइड पे। और ये वाला रास्ता जो है वादी कुमराड़ जाता है, वादी कुमराड़ बिल्कुल नज़दीक है। और इस टाइम हम जो है ना थाल बाज़ार के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। अगर आप इस साइड से आते हैं तो पहले अगर आपने इस साइड पे जाना है तो इस साइड पे चले जाएं, कलां वाली साइड पे। अगर आपने इस साइड पे आना तो इस साइड पे चले जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलते हैं जी वादी कुमराट। थाल से हम बाहर आ गए हैं और आगे कुमराट की तरफ जा रहे हैं। कुमराट तकरीबन यहाँ से नज़दीक ही है बिल्कुल। अभी ऊपर जो है बादल आ गए हैं हल्के हल्के, और कहीं पे धूप और कहीं पे बादल हैं। मौसम यहाँ का फ़िलहाल काफ़ी ठंडा है। आगे रोड फिर मेरे ख्याल में ख़राब हो जाएगा। वो देखिए पहाड़ के ऊपर, आधा पहाड़ के ऊपर जो है ना धूप नहीं है और आधे के ऊपर धूप आई हुई, यानी कि जो बादलों में है वहाँ पे छाऊ है, साया है, और बाकी जो है चोटी वहाँ पे जो है ना धूप लगी हुई है। ये रोड की कंडीशन आप देख लें जी, कितनी गंदी है। ओए ओए यार इतनी गंदी। एक मिनट, मोटरसाइकिल चढ़ दी नहीं। रोड की कंडीशन देख लीजिए जी, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं सारे, और मोटरसाइकिल की स्पीड वो 15-20 से ऊपर नहीं जा रही। चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा कहीं कहीं भी, और दूसरा रोड की हालत इंतहाई ख़राब है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है और सर्दी जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। रोड यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ख़राब है पूरे सफ़र में। इतना रोड ख़राब पहले नहीं था जितना यहाँ पे है। बड़े बड़े पत्थर हैं, जाना इंतहाई मुश्किल है। मोटरसाइकिल जा सकता है या 4x4 गाड़ी वो वहाँ पर जा सकती है। कार वगैरह के लिए बहुत मुश्किल है उधर जाना कुमराट के लिए। अगर आप थाल वाली साइड से आ रहे हैं गाड़ी के ऊपर, आपके पास गाड़ी है कोई भी, तो आप वहाँ पे गाड़ी को पार कर लें। यहाँ पे ज़्यादातर जीपें वगैरह जा रही हैं और 4x4 गाड़ी जा रही है या मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं। मोटरसाइकिल भी चला जा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा तंग होता है आदमी, क्योंकि रोड की हालत इंतहाई ख़राब है, प्लेन बिल्कुल है ही नहीं। देखिए ऊपर धूप और छाऊं दोनों, साया भी है और धूप भी है, कितना प्यारा है ये मौसम। ए देख लो जी पहाड़ी गाय,
छोटे छोटे गादा इनके। चलो 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 शाबाश, रास्ता दो रास्ता दो। आहा हा क्या चस आ गई है। लेकिन ये इधर आते 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 बंदे की हवा टाइट हो जाती है। ये गंदम काश्त की हुई है लेकिन अभी पंजाब के अंदर इसका मौसम नहीं आया, तो यहाँ पे लोगों ने गंदम काश्त कर भी ली है और वो ऊपर जो है वो टमाटर के पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। ऊपर इस तरफ पहाड़ी है, वो देखें सिर्फ छाँव है और धूप है। खान भाई क्या हाल है, ठीक तो है? अच्छा एक और बात है कि जब आप इस तरफ आए तो मोटरसाइकिल आप कम से कम 150 cc लेके आए। हमारे पास 125 है लेकिन ये भी किसी जगह पे रुक जाता है, इतनी यानी कि चढ़ाई और हाइट होती है, तंग करता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो कम से कम 150 cc लेके आए गाड़ी, इससे नीचे जो है ना बहुत तंग होंगे। ये देखें चढ़ाइयाँ कितनी ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से पहले गियर के अंदर जो है ना इसको चढ़ाना पड़ता है ऊपर की तरफ। तो रोड बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है, पहले गियर में मोटरसाइकिल जो है वो रुक जाता है। ये चेक पोस्ट है जी कुमराट की। ये इनकी पुलिस बैठी हुई है। फिर यहाँ से जितना भी इलाका आगे वो खूबसूरत से खूबसूरत है। अच्छा एक और चीज़ है इसके अंदर, यहाँ पे ना अगर आप पेट्रोल लेते हैं वो पेट्रोल आपको महंगा मिलेगा। तो आप जब आएँ तो पीछे पंप है कुमराट से ना थोड़ा सा पहले, वहाँ से आप अपना टैंक जो ना मोटरसाइकिल का टैंक फुल करवा के लेके आएँ, क्योंकि मैंने अभी लिया है तो उन्होंने 130 रुपये पर लीटर दिया है मुझे पेट्रोल, तो जबकि रेट है 114 रुपये। मैंने पूछा भाई इतना महंगा क्यों दे रहे हो, उसने कहा भाई यहाँ पर लाने का ख़र्चा ज़्यादा आता है। तो खैर हमने तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना ही था, चाहे कम हो पैसे चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आप जब आएँ तो वो नीचे से पेट्रोल ना फुल करवा के आए टैंकी, ताकि तरह का टेंशन ना बने। अब यहाँ पे आके सर्दी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ऊपर बादल आ गए हैं और नीचे जो है साया आ गया बादलों का, कहीं पे धूप आ जाती है और कहीं पे बादल आ जाते हैं। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਢ ਲੈਂਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ।
हेलो, यहाँ से कितनी आबशार दूर है? हेलो हेलो, वो बता ही नहीं रहे कि यहाँ से कितनी दूर है आबशार। यहाँ से जी 20 मिनट का फासला है आबशार का, उसके बाद आगे जो है वो काला चश्मा है। आज हम कोशिश करते हैं कि आबशार के ऊपर रात को स्टे करें, फिर सुबह निकलते हैं इंशाल्लाह काले चश्मे वाली साइड पे, वहाँ पे जा कर देखते हैं जी क्या सीन है उधर का। ये जी चश्मे का पानी आ रहा है, बिल्कुल साफ शफाफ पानी ये इस साइड से आ रहा है, वो मेन पॉइंट है।